नमस्कार दोस्तों, सिटी ऑफ लेक के नाम से मशहूर उदयपुर आज काफ़ी तेज़ी से विकसित हो रहा है, क्योंकि आज उदयपुर में एक से एक बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहे हैं जो आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। तो आइए देखते हैं कि वो कौन कौन से बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं जो आज के डेट में अंडर कंस्ट्रक्शन है या फिर प्रपोज्ड है। वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना। अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो जरूर पूछें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। पहली बड़ी प्रोजेक्ट है भूमिका शॉपिंग मॉल प्रोजेक्ट। NCR बेस्ड डेवलपर भूमिका ग्रुप द्वारा 400 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है यह प्रोजेक्ट। 3.5 लाख स्क्वायर फीट एरिया में विश्व स्तरीय मॉल को बनाया जाना है, जो उदयपुर की वन ऑफ द लार्जेस्ट मॉल के रूप में, एक हाईटेक मॉल के रूप में इसे सिटी सेंटर के पास बनाया जा रहा है। फर्स्ट फेज का काम पूरी तरह से कंप्लीट करके फेज 2 के तहत यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, जो 2022 के एंड तक ओपन होने की उम्मीद है। ऐसे में देखना होगा कि 2022 के एंड तक बनती या फिर नहीं बनती। इसके अलावा आज भूमिका ग्रुप द्वारा उदयपुर में 15 से 20 एकड़ जमीन पर एक विश्व स्तरीय टाउनशिप के रूप में विकसित करेगी, जहाँ पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से लेकर सभी तरह के आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स को बनाया जा रहा है, और एक लग्जरियस अपार्टमेंट के रूप में एक सोसाइटीज को यहाँ पे गठन किया जाना है। ऐसे में देखना होगा कि ये भूमिका शॉपिंग मॉल प्रोजेक्ट कब तक बनकर तैयार होती है, साथ ही साथ जो 15 से 20 एकड़ जमीन पर टाउनशिप का निर्माण होगा वो कब तक बनकर तैयार होगा। नेक्स्ट बड़ी प्रोजेक्ट है फतेह सागर लेक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। जैसा कि आप सभी को पता होगा, फतेह सागर लेक उदयपुर की लाइफलाइन भी मानी जाती है, जिसे आज पूरी तरह से डेवलपमेंट किया जाना है। पिछले कुछ सालों में यहाँ पे डेवलपमेंट हुई है, जिसकी एस्टिमेट कुछ तकरीबन 2 करोड़ हुई है, जिसके तहत तो इसे रिनोवेट किया गया है। बट अब इसे गुजरात के साबरमती रिवर फ्रंट के तर्ज पर विकसित किया जाएगा, जो कि टूरिज्म को देखते हुए इसे डेवलप किया जाना है। अभी इस प्रोजेक्ट की DPR तैयार नहीं की गई है, जो आने वाले समय में उदयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा प्लान करके यहाँ पे DPR को तैयार किया जाना है और काम को कंस्ट्रक्शन शुरू किया जाना है। ऐसे में देखना होगा कि यह फतेह सागर लेक, जो कि एक टूरिज्म को दृष्टि में रखते हुए एक विश्व स्तरीय के रूप में साबरमती के तर्ज पर विकसित किया जाना है, वो कब तक विकसित होता है। इसके अलावा आज उदयपुर में जगन्नाथ देगी वाटर फ्रंट को भी डेवलप करके विश्व स्तरीय के रूप में बनाया जाना, ताकि टूरिज्म में ग्रोथ देखने को मिले। ऐसे में देखते हैं कि कब तक बनकर तैयार होता है। नेक्स्ट बड़ी प्रोजेक्ट है रोपवे प्रोजेक्ट। 20 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है रोपवे प्रोजेक्ट। उदयपुर के फतेह सागर लेक से लेकर नीमच माता मंदिर तक स्मार्ट सिटी के तहत इस रोपवे प्रोजेक्ट को बनाया जा रहा है, जो SCERT होटल फतेहपुर सागर लेक से शुरू होकर नीमच माता हिल टॉप तक तकरीबन 430 मीटर लंबी रोपवे को इंस्टॉल किया जा रहा है। एक बार इंस्टॉल हो जाने के बाद श्रद्धालुओं को काफी सुविधाएं तो मिलेगी, साथ ही टूरिज्म में भी काफी ग्रोथ देखने को मिलेगा। ऐसे में देखना होगा कि यह रोपवे प्रोजेक्ट, जो कि फतेह सागर लेक से नीमच माता मंदिर तक बनाया जा रहा है, वो कब तक बनकर तैयार होता है। नेक्स्ट बड़ी प्रोजेक्ट है नथवाड़ा सिवट स्टैचू प्रोजेक्ट। 26 एकड़ में फैला यह पूरा प्रोजेक्ट एक थीम पार्क के रूप में डेवलप किया जा रहा है, और इसी थीम पार्क के तहत 351 फीट ऊंची एक भगवान शिव की स्टैचू को भी बनाया गया है, जो पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया। अभी रिसेंट में मई 2022 में ही यहाँ पे लिफ्ट की फैसिलिटी शुरू की गई, जो कि स्टैचू के 110 फीट ऊपर तक ले जाएगी, और वहाँ से पूरे इस थीम पार्क का दीदार कर सकेंगे। पहली बार 2012 में इस मुरारजी बापू द्वारा इसी फाउंडेशन स्टोन रख के इसके काम को कंस्ट्रक्शन को शुरू किया गया था। उस वक्त 251 फीट के रूप में इसे प्रपोज किया गया था, बट बाद में इसी को 351 फीट ऊंची मूर्ति के रूप में बनाया गया। इस स्टैचू की सबसे खास बात यह है कि इसकी वेट तकरीबन 3000 टन है, जो पूरी तरह से लोहे से बनाया गया है, जो अगले 2500 साल को ध्यान में रखते हुए जो अगले 2500 साल को ध्यान में रखते हुए बनाया गया। वहीं इस प्रोजेक्ट के तहत 20 फीट ऊंची एक नंदी महाराज की भी स्टैचू बनाई गई है, जो कि एक शानदार लुक देती है। ऐसे में देखना होगा कि यह नथवाड़ा शिवा स्टैचू प्रोजेक्ट, जो कि पूरी तरह से लगभग बनकर तैयार हो गई है, बट जो थीम पार्क को जैसे प्रपोज किया गया था वैसे बनने में अभी 2024-25 तक का समय लग सकता है, क्योंकि इस लैंडस्केप को बहुत ही शानदार तरीके से ब्यूटिफिकेशन की जानी है। ऐसे में इसमें थोड़ा सा समय लग सकता है। वैसे स्टैचू का काम पूरी तरह से कम्प्लीट हो गया, अब देखना होगा कि यह थीम पार्क कब तक पूरी तरह से बनकर तैयार होता है। नेक्स्ट बड़ी प्रोजेक्ट है अहमदाबाद उदयपुर ब्रॉड गॉज ट्रेन प्रोजेक्ट। 208 किलोमीटर लंबी यह रेलवे ट्रैक 1700 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है, जो भारत की पहली हाईटेक स्मार्ट टेक्नोलॉजी से लैस होगी, जो जंगल टनल रिवर से होते हुए गुजरेगी, जहां पर 100 से ज्यादा अंडरपास, 3 टनल्स, 170 कर्व, 40 ब्रिज, 15 क्रॉसिंग स्टेशन, 10 ROB के रूप में इसे विश्व स्तरीय रूप में बनाया जा रहा है, जिसके बन जाने के बाद गुजरात से राजस्थान के उदयपुर सिर्फ उसी 5 घंटे में पहुंचा जा सकता है, जिससे टूरिज्म इंडस्ट्री काफी ग्रोथ देखने को मिलेगी। ऐसे में देखना होगा कि यह अहमदाबाद उदयपुर ब्रॉड गॉज ट्रेन प्रोजेक्ट कब तक बनकर तैयार होती है। वैसे अगर इसकी लेटेस्ट अपडेट की बात तो गुजरात का पूरा सेक्शन अभी पूरी तरह से ऑपरेशनल है, और जल्द ही जल्द राजस्थान सेक्शन को भी ऑपरेशनल किया जाना है। ऐसे में देखना होगा कि ये राजस्थान सेक्शन कब तक ऑपरेशनल होती है। नेक्स्ट बड़ी प्रोजेक्ट है उदयपुर रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। हम सभी को पता है उदयपुर एक टूरिज्म फ्रेंडली सिटी है, जहाँ हर दिन लाखों लोग घूमने के लिए आते हैं,
और इसीलिए इंडियन रेलवे डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड IRSDC द्वारा विश्व स्तरीय के रूप में इस रेलवे स्टेशन को विकसित करने का प्लान तैयार किया गया है, जिससे पैसेंजर को सभी आधुनिक सुविधाएं मिलेगी, साथ ही साथ पैसेंजर की कैपेसिटी को भी बढ़ाएगी। डिटेल में अगर इससे बात करूँ तो टूरिज्म इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए उदयपुर की इस रेलवे स्टेशन को हेरिटेज आर्किटेक्ट के रूप में डिजाइन किया गया है, जो पूरी तरह से एयरपोर्ट के तर्ज पर विकसित होगा, जैसा कि आप हमारे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अब देखना होगा कि यह उदयपुर रेलवे स्टेशन जो कि एयरपोर्ट के तर्ज पर बनना है वो कब तक बनकर तैयार होता है। नेक्स्ट बड़ी प्रोजेक्ट है उदयपुर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम प्रोजेक्ट। 11 साल पहले 2011 में प्रपोज्ड किया गया यह उदयपुर का इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम फाइनली अब अप्रूवल मिल गई है और जमीन अधिग्रहण का काम चलना शुरू भी हो गया है। डिटेल में अगर इस उदयपुर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की बात करूँ तो उदयपुर के कानपुर एरिया में बनाया जा रहा स्टेडियम 10 हेक्टेयर जमीन पर बनाया जाना है, जिसमें क्रिकेट स्टेडियम, पेविलियंस, VIP बॉक्स, कमेंटेटर्स रूम, रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस, क्रिकेट एकेडमी, स्पोर्ट्स क्लब, जिम, पोच इत्यादि विश्व स्तरीय के रूप में 200 करोड़ की लागत से बनाया जाना है, जिसमें 35,000 लोग एक साथ बैठकर मैच देख सकेंगे। लेटेस्ट अपडेट की बात करूं तो 8 फरवरी 2022 को वैभव गहलोत द्वारा निरीक्षण करने के बाद फेस वन का काम तेजी से किया जा रहा है, जिसे मैं 3 सालों के अंदर 2025 तक बनाकर पूरा किया जाना है। ऐसे में देखना होगा कि उदयपुर की इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम कब तक बनकर तैयार होती है। नेक्स्ट बड़ी प्रोजेक्ट है उदयपुर फिल्म सिटी प्रोजेक्ट। उदयपुर के अलीसगढ़ में बनाया जा रहा है यह फिल्म सिटी उदयपुर की वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन में बनाया जा रहा है। इसे सिर्फ फिल्म सिटी के तौर पे नहीं बल्कि इसे टूरिज्म फ्रेंडली सिटी में भी बनाया जाना है, जहां पे फिल्म स्टूडियो से लेके रॉयल वेडिंग एवेन्यू, ऑडिटोरियम, पार्क, रेस्टोरेंट इत्यादि को बनाया जाना है। ऐसे में देखना होगा कब तक बनकर तैयार होता है। वैसे अगर इसकी एग्जैक्ट लोकेशन की बात करूँ तो यह उदयपुर के जडोल तहसील के अरावली स्काईलाइन में बनाया जा रहा है, जो तकरीबन 12,500 स्क्वायर फीट एरिया में फैला होगा। लेटेस्ट अपडेट की बात करूँ तो पहली प्रोडक्शन हाउस या पूरी तरह से बनकर तैयार हो गई, वहीं अन्य प्रोडक्शन हाउस की यहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो आने वाले समय में जो पूरी तरह से बनकर तैयार होना है। ऐसे में देखना होगा कि उदयपुर की यह फिल्म सिटी जो कि विश्व स्तरीय के रूप में बहुत ही सुंदर तरीके से एक लैंडस्केप को दिया जाना है, वो कब तक बनकर तैयार होता है। नेक्स्ट बड़ी प्रोजेक्ट है अजमेर उदयपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट। भारतमाला परियोजना के तहत आज भारत के अलग अलग हिस्सों में 44 इकोनॉमिक कॉरिडोर को प्रपोज किया गया है, जिनमें से एक है अजमेर उदयपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट, जिसकी लेंथ तकरीबन 246 किलोमीटर है। इस 246 किलोमीटर एरिया में इंडस्ट्रियल हब के रूप में विकसित होना है, जहां पे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, पार्क, गार्डन, हॉस्पिटल, स्कूल, टाउनशिप इत्यादि को एक विश्व स्तरीय के रूप में प्लान तरीके से बनाया जाएगा, ताकि देश की इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़े और देश की बेरोजगारी दर कम हो। ऐसे में देखना होगा कि अजमेर उदयपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर जो कि भारतमाला परियोजना के तहत बनाया जाना है, वो कब तक बनकर तैयार होता है। नेक्स्ट बड़ी प्रोजेक्ट है उदयपुर रिंग रोड अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट। पाना चौराहा से प्रताप नगर तक 5.5 किलोमीटर लंबी 4-लेन हाईवे को 6-लेन के रूप में अपग्रेड किया जा रहा है। इनर रिंग रोड प्रोजेक्ट विश्व स्तरीय के रूप में बनाया जाना है, जिसमें 3 अंडरपासेस होगी और स्ट्रीट लाइट को एक शानदार तरीके से यूरोपियन स्टाइल में लगाया जाएगा और बीच बीच में प्लांटेशन भी की जाएगी, ताकि लैंडस्केप अच्छा हो और रात में इसका एक अलग लुक देखने को मिले। साथ ही साथ यह 6-लेन बन जाने से यहाँ की ट्रैफिक रिड्यूस होगी, साथ ही साथ शहर की आवाजाही स्मूथ भी होगी। ऐसे में देखना होगा उदयपुर की यह रिंग रोड जो कि 4-लेन से 6-लेन के रूप में अपग्रेड किया जा रहा है, वो कब तक अपग्रेड होती है। नेक्स्ट बड़ी प्रोजेक्ट है एयरपोर्ट न्यू इंटीग्रेटेड टर्मिनल प्रोजेक्ट। टूरिज्म को ध्यान में रखते हुए उदयपुर एयरपोर्ट में न्यू टर्मिनल बिल्डिंग्स को बनाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे आए दिन काफ़ी सारे टूरिस्ट आते हैं, जिसके वजह से यहाँ पे क्राउड हो जाता है, और इसी क्राउड को संभालने के लिए नए टर्मिनल्स को बनाया जाना है, जो अभी फिलहाल प्लानिंग फेज में। ऐसे में देखना होगा कि उदयपुर की यह न्यू इंटीग्रेटेड टर्मिनल प्रोजेक्ट जो कि आने वाले समय में इसे कंस्ट्रक्शन किया जाना है, वो कब तक बनकर तैयार होता है। नेक्स्ट बड़ी प्रोजेक्ट है उदयपुर गुजरात बॉर्डर हाईवे प्रोजेक्ट। 6-लेन के रूप में प्रपोज किया गया प्रोजेक्ट NHAI द्वारा भारतमाला परियोजना के तहत बनाया जा रहा है, जो गोल्डन क्वाड्रिलेटर प्रोजेक्ट का ही एक हिस्सा है, जिसकी लेंथ 113.8 किलोमीटर है, जिसे विश्व स्तरीय के रूप में फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए इसे बनाया जाना, ताकि फ्यूचर में ट्रेड आसानी से किया जा सके और देश की इकोनॉमी में रफ्तार मिल सके। ऐसे में देखना होगा कि उदयपुर गुजरात बॉर्डर हाईवे कब तक बनकर तैयार होती है। नेक्स्ट बड़ी प्रोजेक्ट है दिल्ली उदयपुर अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। भारत सरकार द्वारा अपनी महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के तहत प्रपोज किया गया हाई स्पीड रेल कॉरिडोर 886 किलोमीटर लंबी इस कॉरिडोर को एक विश्व स्तरीय के रूप में इंप्लीमेंट किया जाना है, जो दिल्ली से होते हुए उदयपुर और अहमदाबाद तक पहुंचेगी, जिसमें 12 स्टेशन को बनाया जाएगा। एक बार यह बन जाने के बाद दिल्ली से अहमदाबाद सिर्फ और सिर्फ 2.5 घंटे में पहुंचा जा सकता है, क्योंकि इस हाई स्पीड रेल की स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ऐसे में देखना होगा कि ये कब तक इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू होती है और कब तक यह पूरी तरह से बनकर तैयार होती है, क्योंकि अभी तक इसकी कोई भी डेडलाइन नहीं दी गई है। वहीं आज का हमारा एंड प्रोजेक्ट है उदयपुर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट।
भारत सरकार की स्मार्ट सिटी मिशन के तहत डेवलप किया जा रहा उदयपुर वर्ल्ड क्लास टूरिज्म फ्रेंडली सिटी के रूप में, विश्व स्तरीय के रूप में बनाया जा रहा है। जो आए दिन यहाँ पे कई सारे प्रोजेक्ट्स को बनाकर कंप्लीट भी किया जाना है, जिसमें से बेसिक्स कई सारे प्रोजेक्ट जैसे बीच प्रोजेक्ट, स्ट्रीट लाइट प्रोजेक्ट, रोड वाइडनिंग प्रोजेक्ट, गार्डन पार्क कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट्स इत्यादि के रूप में उदयपुर में आए दिन कहीं ना कहीं ये सारे काम हो रहे हैं। और ऐसे ही छोटे छोटे काम्स को डेवलप करके इसे स्मार्ट सिटी के तर्ज पर विकसित किया जाना, जो आने वाले समय में सभी को एक दूसरे से कनेक्ट करके स्मार्ट टेक्नोलॉजी से लैस करके विश्व स्तरीय के रूप में इस उदयपुर सिटी को डेवलप किया जाना है। ऐसे में देखना होगा कि उदयपुर स्मार्ट सिटी कब तक बनकर तैयार होती है। वैसे अभी मैं जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का जिक्र करा वो सारे के सारे उदयपुर स्मार्ट सिटी के तहत ही बनाए जा रहे हैं। ऐसे में आप इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या सोचते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल आज का ये वीडियो मेरा यहीं पेंड होता है। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मैं इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो जरूर पूछें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।